दोस्तों, फिर हम बात करेंगे लूम नेटवर्क के लूम कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में इस कॉइन के टारगेट्स क्या रहेंगे। करंटली कॉइन 0.113 पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे डाउन ट्रेंड, एक अच्छे डिप के अंदर वापस से हमें इस कॉइन के प्राइस देखने को मिल रही है, जहाँ पर रिसेंट वाले ब्रेकआउट के बाद से इसके प्राइस में 80% का डंप देखने को मिला है और पिछले दो तीन दिनों से 0.11 वाले लेवल पर इसकी प्राइस में स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इस कॉइन के नेक्स्ट लेवल क्या रहेंगे, कहाँ पर इसकी प्राइस जाएगी, नीचे की तरफ और कितना ये करेक्शन कर सकता है, अगर आपने प्रीवियसली एंट्री मिस की है तो किस लेवल पर आपको एंट्री लेनी है, अगर आपने इस कॉइन को ऊपर वाले लेवल पर बाई किया हुआ है तो कब तक आपका एक अमाउंट रिकवर होगा, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 0.113 पर अभी ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, 15 मिनट का चार्ट ओपन है। कल इस कॉइन ने थोड़ा सा यहाँ पर मूव लिया था, जहाँ पर 0.094 तक प्राइस चली गई थी, वहाँ से 0.125 तक इस कॉइन ने 129 तक मूव किया था और वहाँ से वापस इसके प्राइस में डंप देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो रीसेंट ब्रेकआउट हुआ था उसको अगर आप देखें तो इस कॉइन में पिछले एक महीने से, यानी सितंबर और अक्टूबर मिड तक, इस कॉइन में अच्छा खासा मूवमेंट हुआ। सितंबर मिड से इस कॉइन में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, 0.045 वाले लेवल से इस कॉइन ने मूव स्टार्ट किया और हमने इस कॉइन में उस लेवल से ऑलमोस्ट 10x का मूव देखा, यानी कि 0.045 वाले लेवल से इस कॉइन ने 50 वाला लेवल ट्राई किया, हाफ USD यानी 50 सेंट तक इसकी प्राइस चली गई थी और हमने इस कॉइन में उसी टाइम से, यानी 20 ऑफ सितंबर के बाद से रेगुलर प्रॉफिट जनरेट किया और जब जब इस कॉइन में पॉजिटिव रही, दो बार हमने अच्छे खासे लेवल पर वापस बाय करके और इस जो 50 वाला ब्रेकआउट हुआ इसमें 40 तक हम एग्जिट हुए। एक बार हमने यहाँ 12 वाले लेवल पर प्रॉफिट बुक किया, फिर 85 वाले लेवल पर वापस बाय किया यहाँ पर और फिर इस कॉइन को हमने ऑलमोस्ट 0.3839 और 40 पर एग्जिट किया, फाइनल एग्जिट। अच्छा खासा मोमेंट रीजन क्या था, एक अच्छा खासा इस कॉइन में वॉल्यूम जनरेट हो रहा था, जो प्रीवियस बहुत टाइम से इस कॉइन में स्टेबिलिटी थी, रेजिस्टेंस एरिया था, उसको इस कॉइन ने ब्रेक किया, फिर सेकंड यहाँ तक वाला जो लेवल था, यानी कि 0.13145 वो नॉर्मल ब्रेकआउट था, फिर उसके बाद यहाँ जो स्टेबिलिटी थी, उसके बाद न्यूज़ निकल के आई बिनांस जो है इसको फ्यूचर्स में लिस्ट करने वाला है और बिनांस फ्यूचर के लिस्टिंग के की न्यूज़ के साथ ही इस कॉइन में एडिशनल पंप देखने को मिला, जहाँ पे इस कॉइन ने 20 को हिट किया, फिर हमने 40 वाले लेवल को हिट किया, फिर 50 वाले लेवल को इस कॉइन ने फाइनल हिट किया, यहाँ पर इसकी लिस्टिंग हुई थी और फिर इस कॉइन ने और भी मूव किया। वहाँ पर हमने आपको 15 को और 14 को लेवल शेयर किए थे कि आपको फाइनल 40 तक एग्जिट हो जाना है, 40 से थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगा है, लेकिन 40 पर आपको एग्जिट हो जाना है, क्योंकि वहाँ से कितना ऊपर जाकर फिर डंप करेगा ये कोई फिक्स नहीं है। मैक्सिमम इसके जो टारगेट है 4042 तक के रहेंगे, उसके बाद ये वापस डंप करेगा। तो वहाँ पर हम एग्जिट हुए, वहाँ पर हमने आपको लेवल शेयर किए, उसके बाद वापस जब ये यहाँ 50 वाला लेवल हिट कर दिया था, उसके बाद जब यहाँ पर था तब भी हमने आपको वीडियो शेयर किया था। तो ओवरऑल हम रेगुलर बेसिस पर इस कॉइन से रिलेटेड और जब भी जिस कॉइन में पोस्ट रहती है उस कॉइन में हम एंट्री शेयर करते हैं और आपको प्रॉफिट जनरेट करवाते हैं, अपडेटेड लेवल शेयर करते हैं। अभी अगर बात करें तो हमने यहाँ से वापस जब ये डंप कर रहा था, यानी यहाँ एग्जिट करवाया, उसके बाद आपको बता दिया था कि अच्छा खासा डंप करेगा, तो आपको बीच में हाथ नहीं डालना है कि ये गिर रहा है तो आप बीच में इसमें ग्रैब कर ले, एंट्री ले ले कि ये अच्छा खासा 0.50 से 30 पर आ गया या 25 पर आ गया तो यहाँ एंट्री ले ले, ये गलती आपको नहीं करनी है। ये अच्छा खासा डंप करेगा और मिनिमम 1820 तक तो जाएगा ही, 1820 पर स्टेबिलिटी रहती है तो ठीक है, नहीं तो और भी डंप करेगा। तो उसके बाद इसने और भी डंप किया और ये हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको एंट्री किसी भी कंडीशन में नहीं लेनी, एंट्री हम आपको शेयर कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिन्होंने इस कॉइन को 40, 38,
3.35 पर बाय किया हो, अगर आप समझ सकते हैं उनको कितना लॉस होगा पोर्टफोलियो में, जबकि हम बार बार रेगुलर बार बार कह रहे हैं कि आपको बाय नहीं करना है, बाय नहीं करना है, फिर भी बाय किया हुआ है, तो आपकी देखिए उस लेवल तक आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा रिकवरी के लिए, क्योंकि इस टाइप का ब्रेकआउट अब इसमें इतनी जल्दी नहीं होने वाले कि 8-10 दिन बाद या 15 दिन में कॉइन वापस मूव कर जाएगा, बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा। रही बात अभी कहाँ तक और करेक्शन करेगा, देखिए डेली के अंदर इस कॉइन को 0.090 वाला सपोर्ट एरिया था जहाँ तक इस कॉइन ने टेस्ट किया और वापस मूव कर गया, अभी इस कॉइन को 1.1 वाला सपोर्ट एरिया, अगर ये कॉइन 1.1 वाले एक डेली के सपोर्ट एरिया को मेंटेन कर लेता है, जिसके बहुत कम चांसेस है क्योंकि ये यहाँ से वापस आज शाम तक नाइट तक ड्रॉप करेगा, जिसमें ये 1.0 तक इजीली चला जाएगा, तो ये 1.1 को तो मेंटेन नहीं करेगा, 0.090 को मेंटेन कर सकता है, ये इसको डेली के अंदर सपोर्ट एरिया है। वीकली के अंदर अगर बात करें तो 0.010 वाला वीकली के अंदर सपोर्ट एरिया है। अब यहाँ पर कल संडे है, संडे की जो क्लोजिंग है वो मंडे मॉर्निंग को होगी और उसी टाइम वीकली क्लोजिंग भी होगी, तो वीकली में ये 0.10 से ऊपर मेंटेन रहता है तो ये क्वाइन जो है यहाँ पर स्टेबल रहेगा, नेक्स्ट वीक में भी स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, या फिर नेक्स्ट वीक में प्राइस ड्रॉप होगी तो फिर 7 तक प्राइस आने के चांसेस है, 7.2 तक, मतलब मैक्सिमम लेवल है 7 वाला, 7 तक प्राइस आती है नहीं आती है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अगर ड्रॉप होगा तो 7 तक प्राइस आएगी। तो एंट्री की अगर बात करें तो आपको किस लेवल तक एंट्री नहीं लेना है, 0.085 तक तो किसी भी कंडीशन में आपको एंट्री नहीं लेना है, जब 85 पर प्राइस आएगी वहाँ हम आपको प्रॉपर एंट्री लेवल शेयर करेंगे कि आपको इस लेवल पर, उस लेवल पर ऐसे पार्ट में एंट्री लेनी है, जो भी सिचुएशन रहेगी तब हम आपको एंट्री शेयर करेंगे, उससे पहले थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये डायरेक्टली ड्रॉप करेगा, देखिए ड्रॉप जो होता है जिस टाइप से मूवमेंट हुआ अभी इस कॉइन ने मूव किया, कितने दिन में मूव किया, कम से कम 1 मंथ में इतना मूव किया, अब ये ड्रॉप जो हुआ है वो 2 दिन में तो इसने 80% का डंप ले लिया, अब यहाँ पर 80% का डंप ले लिया है तो ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ से ये ऊपर मूव करेगा, यहाँ स्टेबिलिटी रहेगी फिर यहाँ से वापस ड्रॉप करेगा, फिर 9 वाले लेवल पर, 9.5 वाले लेवल पर 2-4 दिन से स्टेबिलिटी रहेगी, फिर ड्रॉप करेगा और फाइनल जो लेवल है जहाँ पर बायर्स एक्टिव है, जहाँ पर वॉल्यूम मिलेगा, उस लेवल से वापस ये मूव कर जाएगा। तो ना तो इसको 1.1 वाले लेवल पर वॉल्यूम है, ना बायर्स है, ना 9.5 वाले लेवल पर, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा, मतलब थोड़े बहुत बायर्स रहेंगे, वो ऊपर मूव करेगा, वो सेल कर देंगे, फिर ड्रॉप होगा, तो इसलिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। जबकि इस कॉइन में ब्रेकआउट हो गया है तो अभी 1 मंथ या 20 डेज, 15 डेज इस कॉइन में कोई ज़्यादा अच्छा मूवमेंट नहीं होगा, तो आप अगर बाय करते भी हैं तो सिर्फ आप इस कॉइन में फंस कर रह जाएंगे। इसके अलावा दूसरे कॉइन्स हमने ऑलरेडी आपको शेयर किए जिनमें बैक टू बैक मूव हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट वो कॉइन दे रहे हैं, उन कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए, इस कॉइन से आप अभी के टाइम पर से दूर रहिए। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, जो बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, वहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, चेट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहां पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू।